हेलो भाइयों, मेरा नाम है मयंक देशवाल। भाई आज की डेट में ना, अगर आप बेस मॉडल की बात करोगे ना, तो भाई ग्रैंड विटारा को कहीं छोड़ के नहीं जा पाएगा बंदा। जब आप इसके देखोगे ना, फीचर्स, माइलेज और प्राइस सुनोगे ना, 10,45,000 रुपए इसका एक्सशोरूम प्राइस है। और भाई फीचर्स भर भर के गाड़ी के अंदर, इससे अच्छा बेस मॉडल आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हर चीज मिल जाती है आपको इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको उसकी की दिखाऊं, दोनों की दोनों आपको स्मार्ट की मिलने वाली है भाई। इसके अंदर आपको लॉक और अनलॉक का फीचर मिल जाता है। अब भाई इस की के लिए लोग को पहले यार टॉप मॉडल लेना पड़ता था, टॉप लो या टॉप से एक नीचे वाला लो, मतलब सेकंड टॉप लो। लेकिन अब तो भाई अगर आप ग्रैंड विटारा लेते हो तो आपको बेस मॉडल से आपको ये की जो है मिलने वाली है। आज की डेट में हम बात करने वाले हैं 2023 के अंदर इसके प्राइस के अंदर और हर चीज के अंदर कितना जो है अंतर आ गया है, क्या क्या फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप एंड तक देखना, आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई ग्रैंड विटारा जो है ये आपको 10,45,000 रुपए अगर आपको लेनी है तो 10,45,000 रुपए का आपको एक शोरूम प्राइस देना पड़ेगा। फ्रंट से बात करोगे इतनी सी भाई चौड़ी चौड़ी जो गाड़ी आपको देखने में लगती है ना, तो भाई चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे ना विड्थ की, तो 1795 में आपको ये चौड़ाई में मिल जाती है। ठीक है, मतलब अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी। हाइट की बात करोगे तो 1645 में आपको इसका हाइट जो है वो देखने को मिलती है। साथ में फ्रंट से अगर आप बात करोगे भाई, कोई भी देखता है ना बंदा, देख के दीवाना हो जाता गाड़ी का, भैया ये बेस मॉडल है क्या सही में। तो भैया फीचर्स और प्राइस बहुत ज्यादा जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट पे आओ तो लगभग 23 लाख रुपए आपको टॉप एंड वेरिएंट तक आपकी जाती है। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट लुक से बात करेंगे तो ये आपको पूरी फ्रंट की जो ग्रिल है ना, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है मिड की। बाकी ये क्रोम के इंसर्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके हेडलाइट से जो फ्रंट की कनेक्ट करते हैं। यही भाई आपकी पार्किंग लाइट है, यहीं पे आपको आपके टर्न इंडिकेटर्स जो है वो दे रखे हैं, इस तरीके से देखने में आ जाते हैं। कि अगर मेन हेडलाइट की यूनिट की बात करोगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही। इसके अंदर आपका हेलोजन का अंदर सेटअप पूरा का पूरा दे रखा है। ऊपर में यहाँ देखोगे ये आपको पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिश में दे रखा है। फ्रंट बम्पर जो है आपका बॉडी कलर है और यहीं पे आपको टोइंग हुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे में सिल्वर फिनिश जो है वो आपको देखने को आ जाती है। फ्रंट व्हील सीट पे आपको दो वाइपर दो वॉशर्स के जो है वो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप इसकी लेंथ की बात करोगे तो आपको ये 4345 mm की लेंथ आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। अच्छा भाई यहाँ पे देखो आपको साइड में क्लाइडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन भाई सबसे बढ़िया बात पता क्या है, टायर साइज देखो 215, 60 और 17 इंच का आपको उसके अंदर स्टील रिम दिए गए हैं। ठीक है, ऊपर से व्हील कैप लगा रखे आपके सिल्वर में। आप इसके ब्रेकिंग से बात करते हो ना, तो फ्रंट में आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड डिस्क दे रखे हैं और रियर के अंदर भी आपको डिस्क मिलते हैं, लेकिन वो सॉलिड डिस्क दे रखे हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम दे रखा है, लेकिन हाँ आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हील बेस की बात करोगे 2600 में आपको उसके अंदर व्हील बेस जो है वो देखने को मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, और भाई ये देखो बॉडी कलर डोर हैंडल, साथ में आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी आपको ऑप्शन जो है वो देखने का। साइड बिडिंग जो है वो आपके रबर में दे रखी है और ये दे रखे हैं आपके भाई ओआरएम्स जो कि आपके बॉडी कलर के अंदर है। यहाँ पे आपके साइड टर्न इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। अच्छा आप बोलोगे भाई 360 का ऑप्शन, भाई 360 का ऑप्शन आपका टॉप एंड वेरिएंट में आता है इसके अंदर। ठीक है, और ये है भाई आपका स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आपको लेना तो आपको लगभग 23 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, ऊपर में आपको शार्प एंटीना का ऑप्शन दे रखा है, साथ में एक बार इसके रियर सेक्शन में चलते तो इस तरीके से भाई ये है इसका रियर सेक्शन। डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर वॉशर का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन डिफॉगर जो है आपका आता है। हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आ जाती है एलईडी के अंदर। ठीक है, और ऊपर में आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद, यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपकी कनेक्टिंग टेल लाइट जो है वो आपको दे रखी है बेस वेरिएंट से। अभी आपकी पार्किंग लाइट जो है वो जली हुई है, ये आपकी स्टॉप लाइट का भी काम करेंगी। यहाँ पे मारुति का लोगो दे रखा है ग्रैंड विटारा के, इस तरीके से 3D के अंदर बैजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ मिल जाएंगे आपको भाई इस तरीके से साइड टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट और यहाँ पे आपको दे रखा है आपके रिफ्लेक्टर्स। रियर बम्पर जो है बॉडी कलर है, 3-tone बोल सकते हो बॉडी कलर, मैट ब्लैक फिनिश विद आपका नीचे में सिल्वर में। ठीक है, चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर बूट ओपन की बात करोगे भाई, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक तो कीलेस एंट्री विद आपका मैग्नेटिक बटन दे रखा है बूट ओपन करने के लिए, दो आपको हैलोजन बल्ब के अंदर नंबर प्लेट एडजस्ट करने के लिए बल्ब दे रखे हैं। बूट क्लोज करने के लिए ग्रैब हैंडल और भाई आपके इस तरीके से मिल जाएंगे आपको हाइड्रोलिक स्टड्स। पार्सल ट्रे का तो सच को इसके अंदर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है देखने को। बूट स्पेस की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर आपको 373 लीटर का बूट स्पेस जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि स्टील रिम के अंदर है, सेम साइज के अंदर R17 इंच। ठीक है, साइड में इस तरीके से आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे कुछ स्पेसिंग के साथ। देन लाइट्स वगैरह का तो ऑप्शन नहीं है, आप चाहो तो लगवा सकते हो सर इसके तौर पर आफ्टर मार्केट। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाएंगी विद आपके 3-3 हेडरेस्ट दे रखे हैं भाई बेस मॉडल के अंदर। ठीक है, और तीनों के तीनों एडजस्टेबल है। कितनी बढ़िया बात है ना, मैंने कहा था ना इससे अच्छा बेस वेरिएंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, हर चीज मिल जाती है भाई इसके अंदर। बस एक दो चीज का अंतर है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बूट को क्लोज कर लेते हैं। तो भाई अच्छा खासा हैवी आपका बूट जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की इस तरीके से ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको जैसे बताया था मैंने कीलेस एंट्री है। ठीक है, इस तरीके से आपकी अनलॉक हो जाती है गाड़ी। पूरे इंटीरियर की बात करोगे डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है, क्योंकि आपका ब्लैक भी है इसके अंदर, कहीं कहीं आपका कॉफी कलर का भी काम किया गया है और कहीं कहीं
सिल्वर एलिमेंट भी आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड जो पावर विंडो ऑटो डाउन और ऑटो अप के साथ आती है, यहाँ पे चार पावर विंडो लॉक अनलॉक के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, साथ में यहाँ पे आपको ओआरएम एडजस्टेबल भी और फोल्डेबल भी है। यहाँ पे आपका डोर ओपनर क्रोम में मिल जाता है, लॉक अनलॉक ये पूरा आपका सिल्वर फिनिश में दे रखा है, वो भी पियानो फिनिश के अंदर। ग्रैब हैंडल है, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में है और ऊपर में हाँ बोल सकते हो यार कि ये पूरे हार्ड प्लास्टिक है वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर कुछ स्पेसिंग मिल जाएगी, सिस्टम पे आते नहीं लेकिन आपको स्पीकर ग्रिल जरूर आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ में 6 वे एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाएंगी, दोनों के दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे और थाई सपोर्ट भैया अच्छा खासा आपको जो है दे रखा है। विड्थ भी आपको मतलब पीछे की बैकरेस्ट जो है ये भी आपको अच्छा खासा चौड़ाई दे रखी है। साथ में यहाँ पे आपको भाई आपका हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाएंगे और भाई सबसे बढ़िया चीज बेस मॉडल के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिल जाता है इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ। इसको हम करते हैं ऑन इस तरीके से, भाई आपका ऑन हो जाएगा ये। ले भाई लगा लिया गेट, क्यों टू 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 कर रही है अभी, टुक टुक कर रही है, इसको कर लेते हैं बंद। ये लो भाई ये है इसका स्टेयरिंग। ठीक है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी आता है लेकिन टॉप एंड वेरियंट में आता है। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर से कंट्रोल दे रखे हैं, राइट हैंड साइड आपके टर्न इंडिकेटर विद लाइट के कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो ये देखो टिल्ट, साथ में टेलीस्कोपिक भी आप देख रहे हो। बेस मॉडल भाई मेरे पास बलेनो है, ठीक है, और वो उसका जेटा वेरिएंट है मेरे पास, और जेटा वेरिएंट के अंदर भाई आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक और ये सब चीजें भी देखने को मिलती है, लेकिन उसके अंदर स्क्रीन वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, सेकंड टॉप मॉडल है वो मेरा, और भाई इसका तो बेस वेरिएंट में सारी चीजें, प्लस भाई इसका क्लस्टर देखो एक बार, क्या ही तगड़ा लग रहा है ना, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और आपका साथ में फ्यूल इंडिकेशन, टेम्परेचर मीटर, हर चीज एनालॉग के अंदर दी गई है। दो दो नॉच मिल जाएंगे आपको इसके अंदर देखने के लिए। इस तरीके से आप ट्रिप पे ट्रिप भी वगैरह अपना कर सकते हो, और राइट वाली से ये देखो आप इस तरीके से टॉर्क पावर एक्सलरेशन ब्रेक आपका एवरेज रेंज वगैरह हर एक चीज दिखाई देती है भाई, कितनी बढ़िया चीज है यार, मस्त लग रही है। आप सबको कैसी लगती है ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। यहाँ पे आपको हजार लाइट ऑन करने का ऑप्शन दे रखा है, साथ में यहाँ पे आप चाहो तो अपना आफ्टर मार्केट या कंपनी से ही स्टीरियो फिट एंड फिनिश करवा सकते हो। ये आपके मिड के एसी वेंट्स दे रखे हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। साथ में यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का भी ऑफ दे, ट्रैक्शन का भी आपको एक स्विच दे रखा है, साथ में यहाँ पे आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो आपकी 10 सेकंड के अंदर गाड़ी ऑफ हो जाती है फ्यूल सेविंग मोड। बाकी यहाँ कुछ स्पेसिंग मिल जाएगा, देन यहाँ पे आपको एक 12 वाट का सॉकेट दे रखा है, 5 स्पीड गियर मैनुअल आते हैं, रिवर्स के अंदर 6 गियर है। ठीक है, और रिवर्स में आपको लगा दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपका वर्क करेगा रिवर्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दे रखे हैं, हैंड ब्रेक दे रखा है, आर्म रेस्ट दे रखा है, आर्म रेस्ट भी आपका एडजस्टेबल है। ठीक है, और ये आपको पूरा का पूरा सॉफ्ट टच के साथ है, इसके अंदर आपको स्पेसिंग भी अच्छी खासी आपको दी गई है, साथ में ये देखो भाई ग्लव बॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी स्पेसिंग जो है आपको देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, फ्रंट के अंदर आपके 2 एयरबैग आ जाएंगे, साथ में डे नाइट भाई IRVM भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि मैनुअली है। फ्रंट के अंदर 2 लाइट्स मिल जाएंगी आपको हेलोजन के अंदर ही, और यहीं पे आपके माइक भी दे रहे हैं। यहाँ पे आपको भाई वैनिटी मिरर का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा विदाउट एनी लाइट, वो भी दोनों तरफ। क्या कहते हो भाई, भाई मेरी गाड़ी में तो है ही नहीं, मतलब एक तरफ है, एक तरफ तो टिकट होल्डर दे रखा है, ठीक है, इसमें दोनों ही तरफ वैनिटी मिरर दे रखा है, कितनी बढ़िया बात है ना, बताओ यार, है कि नहीं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। अब एक बार ना मैं आपको रियर का स्पेस चेकआउट करा देता हूँ, रियर में आते हैं एक बार, ये लो भाई रियर का, अगर आप डोर ट्रिम से बात करोगे तो वही आपका डोर ओपनर, पावर विंडो डाउन और अपन का शिफ्टर है, ग्रैब हैंडल है, ये सॉफ्ट टच है पूरा, बोटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल जो है आपको दे रखी है, 60-40 फोल्डेबल सीट तो है, साथ में बंदे की आप एक बार बैठा हुआ देखो सही कंफर्टेबल है कि नहीं है, स्पेसिंग में कंफर्टेबल है ना, वैल्यू फॉर मनी है ना गाड़ी। यहाँ पे आपको भाई कप होल्डर भी दे रखे हैं विद आपका आर्म रेस्ट भी दे रखा है आपको, और जो थर्ड पर्सन बैठेगा उसकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, भाई मारुति सेफ्टी देती है तो पूरी देती है वरना देती ही नहीं है। ठीक है, वो कैसे भाई, ऊपर देखो सीट बेल्ट दो भाई कहाँ से निकाल रखे, पूरा हब निकाल रखा भाई सीट बेल्ट का अलग से, देख लो बीच में थर्ड पर्सन के लिए भी आपको सीट बेल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी, साथ में पीछे में कुछ पॉकेट्स वगैरह जो है वो आपको दे रखी है, देन यहाँ पे आपको रियर में एसी वेंट्स भी जो है वो आपको दे रखे, बिल्कुल छोटू से हैं, ठीक है, लेकिन दे रखे हैं, फिर भी क्या पता, कैबिन तो भाई आपका रियर का भी ठंडा रखेंगे ये। बाकी यहाँ पीछे में स्पेसिंग जो है आपको दे रखी है, कुछ सॉकेट वगैरह नहीं दे रखा रियर में, बाकी रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ आपका इस टाइप से देखने में आ जाता है। ठीक है, साथ में रियर में आपको कैबिन लाइट भी दोनों ही तरफ आपको देखने को मिल जाती है, इस तरीके से आप उसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो अभी बीच में रखी है ना, इसका मतलब ये डोर से कनेक्ट है, जैसे आप डोर ओपन करोगे अपना ये ऑन हो जाएंगे, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल विद आपका हुक, इस तरीके से आपको देखने को चीज मिल जाती है। हमने इसकी हर चीज के बारे में तो बात कर ली, अब यार बात तो करें इसके अंदर इंजन कौन सा आता है, तो भाई इसके अंदर आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है इसके अंदर। पावर की बात करूंगा ना 101.64 BHP निकाल के देता है आपको ये,
और साथ में 136.8 Nm का टॉर्क। ठीक है भाई, मतलब मारुति का वही 1500cc वाला इंजन आता है जो आपका विटारा ब्रेजा के अंदर यूज किया गया, एक्सल 6 के अंदर यूज किया गया, सियाज के अंदर यूज किया गया, सेम वही इंजन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको वॉशर वगैरह का आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यार अच्छी है यार, आपको अच्छा ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाता है कि फ्यूल फिलअप कराने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, पेट्रोल का है और 45 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी जो है वो दी गई है और कंपनी क्लेम करती है इसका 22 का माइलेज। आप गाइस अगर ग्रैंड विटारा आपको ऑन रोड प्राइस की अगर आप बात करते हो तो लगभग 12,70,000 रुपये आपको इसके ऑन रोड पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आप बस अब ये बताना भाई ये आपको गाड़ी जो है वैल्यू फॉर मनी लगती है नहीं लगती है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, वैसे ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल में आपकी हर एक चीज़ जो है फुलफिल हो जाती है, म्यूजिक सिस्टम लगाओ, 4 स्पीकर लगाओ और गाड़ी गुड टू गो है भाई, हर जगह जाने के लिए तैयार है। ठीक है, बाकी आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो कर देना सब्सक्राइब। वीडियो सभी का देखने का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।